हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनादर व्लॉग। तो आज है संडे और नेक्स्ट संडे मेरे सिस्टर की वेडिंग है, तो आज मेरा पूरा दिन पार्लर में जाने वाला है। आई नो थोड़ा सा मेरा फेस भी कुछ अलग दिख रहा होगा, मेरे थ्रेडिंग्स बड़े हुए हैं, मैंने नोज पियर्सिंग भी करवाया है। एक्चुअली शादी के वक्त मैं नथ पहनने वाली हूँ ना, इसलिए मैंने नोज़ पियर्सिंग करा है। बाद में मैं निकाल लूँगी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आज मैं पूरा मेकओवर करने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ पार्लर में, जैसे हेयर स्पा, मेनी पेडी, और शायद तक मैं नेल एक्सटेंशन भी करवाऊँगी। बहुत दिनों से इच्छा थी मुझे करने की, सो लेट्स सी। और जो मेरी क्लोज्ड वन है उसी के पास मैं जा रही हूँ करवाने के लिए। जब से मैं पुणे में आई हूँ तब से ही उसी के अंडर मैं, मतलब जब भी पार्लर जाना होता है तो कुछ भी कराना होता है तो उसी के अंडर करवाती हूँ। पहले वो किसी और के अंडर काम करती थी, अब उसने खुद का पार्लर ओपन किया है, तो बस एक हेल्प भी हो जाती है उसे, और उसे चांस भी मिल जाता है ग्रो करने के लिए, और बहुत अच्छी सर्विसिंग भी देती है, सो आई लाइक हर। सो अभी तो हम लोग, मैं निकल रही हूँ, नीलेश भी जाएगा हेयर कट करने के लिए। उससे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि मेरा पूरा दिन वहीं पे जाने वाला है, पता नहीं मैं लंच करूँगी या नहीं। सो लेट्स गो। एक्चुअली ये अभी नया बना है शायद, मैत्री कट्टा इसका नाम है। सो हम लोग अभी फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करने आए हैं, सो लेट्स सी कि कैसा टेस्ट है। कशी है टेस्ट? पाव भाजी गुड? सो हाउ वाज द टेस्ट? गुड। आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था, इट वाज एवरेज, मतलब ठीक है, खाने लायक तो था ही, ऐसा नहीं है कि स्पाइसी चाहिए था, बस थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था, बाकी ऑल गुड। मिसल पाव से अच्छा पाव भाजी लगा मुझे टेस्ट में, सो या नाइस। अभी मैंने एक जूस ऑर्डर किया है, वो मैं पी लेती हूँ और उसके बाद मैं निकलती हूँ। Thank you.
सो आई एम बैक फ्रॉम पार्लर और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं. मतलब आज आके मैंने कुछ झंडे नहीं गाड़े, रिलैक्स बैठी थी हेयर स्पा के वक्त फेशियल करते समय, तो इतनी अच्छी नींद आई, लिटरली बहुत अच्छी नींद आई. लेकिन मतलब जो भी एग्जर्शन था, जो भी इतने दिनों की जो थकावट थी ना, मतलब पूरी, मतलब इतना रिलैक्स लग रहा है, इतना रिलीफ लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा. अभी जस्ट मैं घर आई हूँ, मैंने मस्त गर्म पानी से नहाया और मतलब बाल भी धो लिए मैंने अच्छे से. और मैंने अभी स्किन पे, आपको थोड़ा ग्लोई स्किन लग रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे आज नायका का स्किन पोशन ये वाला सीरम लगाया. बहुत अच्छा सीरम है, जिसकी भी डल एंड ड्राई स्किन है ना, उसके लिए तो बहुत अच्छा सीरम है. मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि ये लगाने के बाद आपकी जो स्किन है ना, बहुत ज़्यादा ड्यूई, बहुत ज़्यादा ग्लोई लगती है. पता नहीं आपको कैमरे में लग रहा है या नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ग्लोई लग रहा है मेरी स्किन, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. This oil feature ingredients and formulation to support all skin concerns, helping to restore, replenish, rejuvenate and re-energize your skin. And also it's suitable for every skin type. It's rich in antioxidant and also 100% natural botanical extract. It's SLS free and paraben free and no added perfume. It's very lightweight and instantaneous skin smoothing properties. This dull and dry skin facial oil is for fresh and hydrated skin, and it regenerates skin cells and moisturizes and nourishes your skin. और मेरा नेल एक्सटेंशन आज नहीं हो पाया. एक्चुअली अंजू के पास जो वो ड्राइंग मशीन होती है ना कुछ, तो वो उसकी ख़राब हो चुकी थी, तो माय बैड. तो मुझे आज एक्सटेंशन करने को नहीं मिला, बट इट्स ओके, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी. अभी तो मैं अभी जल्दी से डिनर बनाती हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है. फटाफट डिनर बनाती हूँ, उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी है. मतलब मैं परसों नागपुर के लिए निकल रही हूँ. पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन जाने तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दो बैग्स पड़े हुए हैं, और जो ये ऊपर का सामान दिख रहा है वो मुझे और ठूसना है बैग के अंदर, तो वो मैं कर लेती. और खाना खाने के बाद मस्त नींद आने वाली है. और पता नहीं नागपुर जाने के बाद मुझे वेडिंग सीरीज़ कुछ बनाने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं, आई डोंट नो. लेकिन मैं ट्राई करूँगी अगर व्लॉग करने का, वीडियो बनाने का अगर हो सकता है तो. अदरवाइज़ मैं इंस्टाग्राम पे फ़ोटो स्टोरी या फिर यूट्यूब कम्युनिटी पे आपको अपडेट दे दिया करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ. बहुत मज़ा आने वाला है. इस बार मतलब मेरे शादी के वक्त संगीत का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था, तो अभी इस टाइम पे हम लोग संगीत का प्रोग्राम करने वाले हैं. सो बहुत एक्साइटेड है. मतलब बहुत मज़ा आने वाला है. आई डोंट नो कि सच में ऐसा होने वाला है या नहीं, क्योंकि जो भी जब भी हम कुछ प्लान करते हैं ना, तो पचका हो जाता है. तो टाइम पे देखते हैं, लेकिन फिंगर क्रॉस, होप सो सब कुछ ठीक ही हो. सो परसों मैं निकल रही हूँ. ओके, सो दैट्स इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ फ्रेंड्स. सारांगे.